अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हमारी फर्स्ट क्लास है सिंधी के सब्जेक्ट की। फाइनल टर्म आपका आज से स्टार्ट होने जा रहा है और फाइनल टर्म का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है क्लास 5? असा जो प्यार हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हमारे प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यह हमारा आज का सिंधी का फर्स्ट चैप्टर हम आपको मैं आपको पढ़ाऊंगी और मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपनी बुक का सफ़ा नंबर 5 खोल लें। तमाम स्टूडेंट्स को कह रही हूँ आप अपनी बुक का सफ़ा नंबर, सिंधी की बुक का सफ़ा नंबर 5 ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये आपका चैप्टर है असां जो प्यारो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं, रीडिंग करते हैं और एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके साथ करती जाऊंगी कि क्या लिखा है और इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो आए हम स्टार्ट कर लेते हैं। असां जो प्यारो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असां जो है असां जे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार सगोड़ा अरबिस्तान जे शहर मक्के शरीफ में जावा हुआ, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबिस्तान अरब के शहर, कौन से शहर में पैदा हुए थे? मक्के में, अरब के मक्के शहर में पैदा हुए। पार सगोड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे होते काई दादा सुलजाड़ा सच्चा ईमानदार हुआ, यानी वो छोटी जब वो नन्हे यानी वो जब छोटे थे तब से ही वो बहुत सुलझेवे थे, ठीक है, सच्चे थे और अमानतदार थे। जेण जे करे केण अमीन करे सडंदवा हुआ, और इसीलिए उनको सादिक व अमीन कहा जाता था। सिंदस वाले सबोरे जो नालो हजरत अब्दुल्ला हो, और उनके वालिद का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला था। वालदा सबोरे जो नालो हजरत बीबी आमना हो, वालदा और उनकी वालदा का नाम हजरत बीबी आमना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेण जे विलादत पा का कुछ महीना एक सिंदस वाले हजरत अब्दुल्ला लादारो करीबियो, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के कुछ ही टाइम बाद उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला की वफात हो गई थी। आई पार सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंडे मुंदे ही यतीम थी गया, और वो इसीलिए छोटी उम्र में ही यतीम हो गए। इन करे पार सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमन के डाट को भाईंदा हुआ, और इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों से बहुत मोहब्बत करते थे, उनको बहुत पसंद करते थे। हिन जमाने जमाने में अरब मुल्कन जे मारन जी हालत डाढ़ी खराब हुई, वो बुतन जी पूजा करता हुआ, और उस वक्त उस जमाने में जो अरब के जो मक्के का शहर है वहाँ के लोगों की हालत बहुत बुरी थी। वहाँ के जो लोग थे वो भूतों की पूजा करते थे, खुदा की पूजा नहीं करते। जो बुत होते थे बुत बने हुए होते थे, पुतले बने हुए होते थे, उनकी पूजा करते थे। अजान एंड नंगड़े नंगड़े गालियां तापार पे बड़ी पौंदा हुआ, और छोटी छोटी बातों पर वो आपस में लड़ झगड़ जाते थे। अहा वेड़तेर सालन ताई हलंदी हुई, और यही लड़ाई उनकी बहुत सालों तक चलती रहती थी, खानदान तक खानदान चलती रहती थी बहुत सालों तक। एक छोटी छोटी बात से वो जो लड़ जाते थे तो वो लड़ाई इतनी लंबी वो कर देते थे, उसको इतना लंबा खींच देते थे कि वो खानदान दर खानदान तक चलती रहती थी। जैन जे करे केतरियों खून दर्जियों थींदी भी, और उसकी वजह से कितनी खून खराबा कितना खून खराबा लोगों का खून खराबा होता था, उनका कत्ले आम होता था उस छोटी सी लड़ाई की वजह से जो वो खानदान दर खानदान चलाते रहते थे। वही मुसाफरन आई वाठन के फरन दवा, और जो मुसाफिर होते थे जो मेहमान होते थे उनको लूट मार करते रहते थे, ठीक है। पारे वारन के दुखियों दुखाइंदा हुआ, यानी जो उनके पड़ोसी थे उनके दिल दुखा
दुखाते रहते थे, दिल अराजी करते रहते थे, उनको परेशान करते रहते थे। कटो पोटी पेंजे दीर के जिंदा पोड़ी छटंदा हुआ, और जो बेटियां होती थी उनको जिंदा पैदा होते ही जिंदा जमीन में दफना देते थे। तो जो मक्के के जो उस वक्त जहालत का जो दौर था, जब हुजूर पाक सल्लम जिन उस दौर में जब पैदा हुए थे, तो वहाँ की बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत ऐसी थी कि लोग छोटी छोटी बातों में झगड़ देते थे, और उस वजह से बहुत सारा खून खराब होता था। वो अपने पड़ोसियों को परेशान करते थे, उनका दिल दुखाते थे, जो भी मुसाफिर और आते थे उनको लूट मार करते थे, कत्लगरी करते थे। मतलब उस वक्त एक समझ लें जहालत का दौर था। तो जहालत और बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था, उनको बोझ समझा जाता था, जबकि बेटियां अल्लाह की दी हुई रहमत होती है। ठीक है, बेटियां बेटियों से तो रौनक होती है, और उसी मासूम उनकी अपनी खुद की औलाद को वो जिंदा दफना देते थे जमीन में। तो ये उस वक्त का दौर था। अब आ जाए हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। जड़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी उम्र 40 साल थी, ताके खुदा जो हुकुम थियो ता मार के खराब कमर सा रोक कियो। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 वर्ष की थी, तो उनको वही नाजिल हुई, खुदा की तरफ से पैगाम आया के लोगों को बुरे कामों बुराई की तरफ जाने से रोकना है, उनको रोकें। और चगा कम दस्य, और चगा कहते हैं अच्छे काम, चगा कम यानी अच्छे काम बताएं। हुजूर जे मार के गद करी खुदा जो हुकुम बुदायो ता ओहाय अल्लाह जी इबादत करियो जे ओहा के पैदा कियो जे वहाँ के पैदा कियो कोर ना गालायो ना पान में भरियो ऐ ना के चोरी करियो। यानी हुजूर पाक सल्लम ने उनको अल्लाह का पैगाम दिया कि अल्लाह की इबादत करो, भूतों की इबादत ना करो, किसी का कत्ल ना करो, किसी से झूठ ना बोलो, कोर कहते हैं झूठ को, किसी से झूठ ना बोलो, किसी को तंग ना करो, किसी को लूट मार ना करो। तो ये उन्होंने लोगों तक अपने अल्लाह की दी हुई वही को उनके पैगाम तक लोगों तक पहुंचाया जब उनकी उम्र 40 वर्ष की थी। ना पान में बढ़ियो और ना आपस में लड़ो, आई ना के चोरी करियो और ना ही चोरी करो, पारे वारन सा भलाई करियो और अपने पड़ोसियों के साथ भलाई यानी अच्छा सलूक करो, भलाई के काम करो, उनकी मदद करे, न्याणे ते रहम करे। यानी न्याणे कहते हैं बेटी को, न्याणे किसको कहते हैं, न्याणे ते रहम करे यानी बेटियों पर रहम करो। बर्तन जी पूजा ना करो, भूतों की पूजा मत करो, सिर्फ अल्लाह जी इबादत करो, और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें जिन्होंने आपको पैदा किया। अही ई सभी जो मालिक है, और वही ही हम सब का मालिक है। तो यहाँ तक मैंने आपको रीडिंग कराई विद एक्सप्लेनेशन, और आपको मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी की हम जो बकिया रीडिंग है, बाकी के जो चैप्टर है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये था हुजूर पाक सल्लम की जिंदगी के कुछ बातें थी कि वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनके वालिद का नाम क्या था, उनके वालदा का नाम क्या था, उनके वालिद कब वफात पा गए और उनकी कितनी छोटी उम्र में वफात पा गए, और उस वक्त लोगों का उस वक्त उस मुल्क के शहर में लोगों का क्या हाल था, और हुजूर पाक सल्लम की किस उम्र में उनको वही नाजिल हुई, और अल्लाह का क्या पैगाम उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। तो ये तमाम बातें मैंने आपको समझाई। अब आपको रीडिंग करनी है और आपको इसको खुद से समझना है, और बाकी के जो हम चैप्टर के बाकी जो चैप्टर है बकिया वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब थोड़ा असाइनमेंट की भी तरफ आ जाते हैं, ताकि आपके रीडिंग और आपके एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा थोड़ा आपका काम भी कंप्लीट होता जाए, ताकि हम फिर आगे की तरफ बढ़े। अब आपको ये करना है, आपका मिड टर्म का टाइटल आपको कंप्लीट आपने बना लिया होगा। मिड टर्म के टाइटल के बाद आपको फाइनल टर्म का टाइटल बनाना है।
जम स्टार्ट का। इसके बाद आपको इस सबक असा जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबक पर टाइटल बनाना है नेक्स्ट पेज पर। इसके नेक्स्ट पेज पर इस सबक यानी इस चैप्टर की आपको राइटिंग करनी है, एक पेज राइटिंग करनी है साफ सुथरी बिल्कुल खूबसूरत राइटिंग के साथ, ठीक है, खूबसूरत लिखाई के साथ आपको राइटिंग करनी है। इसके बाद आपको राइटिंग के बाद लिखाई के बाद आपको मुश्किल अल्फाज लिखने हैं और इसके बाद आपको वर्ड्स मीनिंग यानी अल्फाज मायने लिखने हैं। अल्फाज मायने के बाद आपको सवाल जवाब लिखने हैं और ये तमाम अल्फाज मायने मुश्किल अल्फाज सवाल जवाब ये आपको बाय पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। आपको वहाँ से काम आपको व्हाट्सएप पर हम प्रोवाइडेड करते हैं बाई ग्रुप में, तो वहाँ से आपको वो काम मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ के जरिए। और आई होप आपको ये चैप्टर हम समझ आया हो और बाकी का हम चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे इजाज़त दें और अपनी अच्छी सी पढ़ाई करें, अपने पढ़ाई पर तवज्जो दें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।